हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसे कि आप सबको पता है, न्यूज़ आई है कल कि जो भी अब टेस्ट होंगे आइल्स की, वो सिर्फ आईडीपी लेगा, ब्रिटिश काउंसिल नहीं लेगा आफ्टर 25th of July। ठीक है। सो अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, मेल्स आई हैं, पर्सनल मैसेजेस आई हैं इंस्टा पे कि ये इम्पैक्ट तो नहीं करेगा जो स्टूडेंट्स ने पहले बीसी के एग्ज़ाम दिए हैं। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आपके पास बीसी की टीआरएफ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा डेटा आईडीपी के पास चला जाएगा और वो वैलिड रहेगा 2 ईयर्स तक। ठीक है। जितने भी आप जहाँ से भी, मतलब वही रूल्स वही रहेंगे कि आपने इन केस अगर एग्ज़ाम लाइक 1st of August 2019 को फिल किया था तो आपका 1st of August 2021 तक है। दिस इज ओनली एग्जाम्पल। ठीक है। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो प्रीवियस कैंडिडेट्स थे, ठीक है, उन्होंने पेपर दिया है बीसी का, तो उनका कोई डेटा का लॉस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, नेवर एवर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो बी रिलैक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई हमने तो 25th of July का एग्ज़ाम भरा हुआ है बीसी के साथ। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 17th of July का भी एग्ज़ाम भरा हुआ है। ठीक है। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर तो आपके जो है 11th July से पहले पेपर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, अगर तो 11th July से पहले पेपर बेस्ड टेस्ट है वो बीसी ही कंडक्ट करेगा। बट अगर आपका टेस्ट 11th July के बाद है तो आपका जो टेस्ट है वो आईडीपी कंडक्ट करेगा और आईडीपी आपको लाइक 7th July तक आपको लॉगिन डिटेल्स शेयर कर देगा, जो न्यू लॉगिन डिटेल्स है वो शेयर कर देगा। ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आपने पेपर फिल किया हुआ है 17th of July, 25th of July, कोई भी आपने एग्जाम फिल किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईडीपी खुद आपको लॉगिन डिटेल्स भेजेगा, ठीक है, फॉर आईडीपी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आईडीपी में कंडक्ट होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट। ठीक है, 25th of July तक जो है बीसी ही कंडक्ट करेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके टेस्ट जो है वो आईडीपी में मूव हो सकते हैं। और इन केस अगर आप अपना आईडीपी में मूव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है। सो आप पहले वैसे भी आईडीपी टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप इन केस आपको जो है आईडीपी टेस्ट में मूव करना है तो वो भी कर सकते हो कोई नियर बाय लोकेशन देख के। ठीक है। 7th July तक आपको जो है वो सारी डिटेल्स दे देगा आपको। ठीक है। सो आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हुई हो। ठीक है। और जो है ये सेंटर्स बंद नहीं होने वाले, जहाँ पे बीसी के मतलब जो सेंटर्स थे वो कोई बंद नहीं होने वाले, बस आईडीपी उनको एक्वायर कर रहा है। ठीक है, सारा अब आईडीपी ही सारा कुछ चलेगा। बीसी जो है इंडिया में से मतलब ख़त्म ही हो गया। ठीक है। सो एक्चुअली जो है आईएलटीएस, आपको भी पता है, बहुत सारे जो है ऐसे फेक मतलब रिजल्ट्स आ रहे थे, तो ये सारा कुछ उनको एक सॉल्व करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही मतलब जो है मतलब रख लिया है। ठीक है ना, टेस्ट सेंटर जो है कि जो एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ आईडीपी रहेंगे और कोई नहीं होएगा। ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आप पेपर फिल कर चुके हो बीसी के साथ तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 11th July से पहले बीसी ही कंडक्ट करेगा और उसके बाद जो भी आपके आईडीपी कंडक्ट करेगा और 7th of July तक आपके पास न्यू लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी आईडीपी की तरफ से। और अगर कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट फिल किया है आपने तो 25th July तक तो बीसी ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आईडीपी कंडक्ट करेगा और उसकी भी वो डिटेल्स जो है 7th July तक आपको न्यू लॉगिन डिटेल्स भेज देगा। ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वरी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड हु इज़ हैविंग एग्ज़ाम। ठीक है, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है, यू कैन अटेंड माई लाइव क्लास डेली एट 9 PM और उसमें मैं रीडिंग और राइटिंग रोज करवा रही हूँ, तो आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। आप अपने इश्यूज़ अपने डिस्कस कर सकते हो, आपको कोई रीडिंग में कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं आते आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसकी लाइव क्लास लूँगी। सेम गोज़ विद द राइटिंग ऑल्सो, आपको किस टाइप के ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है, आई विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।